साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों आज आपको हम बताएंगे कियोस्क बैंकिंग। साथियों जो लोग जंबो टेक्नोलॉजी की आईडी लिए हुए हैं उनको कियोस्क बैंकिंग कैसे मिलेगी, या जो लोग अभी जंबो टेक्नोलॉजी की आईडी नहीं लिए हुए हैं वो आईडी कैसे लेंगे और कियोस्क बैंकिंग का उपयोग कैसे करेंगे, कैसे अन बैंकों का अकाउंट ओपनिंग करेंगे, किस तरह से जो है इसके ट्रांजेक्शन करेंगे, साथ में ही APS और ATM से जो बहुत बेस्ट कमीशन मिलता है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो साथियों जो भी लोग जंबो टेक्नोलॉजी की आईडी पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए मैं अपनी एक आईडी लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ कि वर्क कैसे होता है। देखिए हमारी आईडी पहले से लॉगिन है लेकिन मैं इसे देखिए लॉगआउट करके मैं दोबारा खोल रहा हूँ। इसकी जो साइट है देखिए jumbo.in पर जाएंगे, यहाँ पर पार्टनर सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से आपको इस तरह का एक लॉगिन पेज दिखेगा। बहुत सारे लोग हैं गूगल में लॉगिन करते हैं उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर भी आप जो है जंबो टेक्नोलॉजी आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको जो है आईडी खोलने का ऑप्शन यहाँ से भी मिल जाएगा। देखिए जंबो लॉगिन यहाँ पर आ गया, जंबो टेक्निकल इंडिया आ गया। तो आप जैसे जंबो लॉगिन पर जाएंगे, जंबो पर जाएंगे तो आपको सो जंबो के बारे में सारी डिटेल आपको खुल के मिल जाएगी और jumbo.in खुल जाएगा, यहाँ से भी लॉगिन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए आप जो है जैसे ही जंबो टेक्नोलॉजी इंडिया लिखा हुआ है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी देखिए आपको पेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, डाल करके सबमिट करना होता है। जब पहली बार आप लॉगिन कर लेते हैं फॉर्मेट के लिए जाते हैं, लेकिन आपको अगर आईडी पासवर्ड मिल गया वर्क कर रहे हैं तो आप लॉगिन पर जाएंगे। पहली बार जो लोग लॉगिन करते हैं वो लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल कर सबमिट करते हैं, उनके मोबाइल पर OTP जाता है और वह आईडी को अपने क्रिएट करते हैं, लेकिन हम लॉगिन कर रहे हैं क्योंकि हमारी आईडी पर बना हुआ है। अब देखिए हमारा आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, देखिए मैंने इसे सबमिट किया। सबमिट करने के बाद देखिए एक ट्रांजेक्शन पिन मांगता है, 6 अंकों का ट्रांजेक्शन पिन बनाना होता है। ये बिना पिन का जो है आगे नहीं बढ़ता है। जो लोग नए होते हैं यहाँ से रिसीट जो यहाँ पर जो देखिए आपको छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ से जो है रिसीट करने का ऑप्शन है। नए लोग यहाँ से रिसीट करके फॉरगेट पिन भी बना लेते हैं, मेरे पास पहले से है तो मुझे नहीं बनाना है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर वैलिड किया और देखिए मेरा पोर्टल खुल गया। अब हमारे पोर्टल में देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँगा आपको एक चीज़ों को बताते चलें कि क्या क्या वर्क है और क्या क्या चीज़ें कहाँ से आपको मिलती हैं और दिखती हैं। देखिए यहाँ पर जो है लोन का ऑप्शन है लेकिन अभी कमीशन में है, कियोस्क बैंकिंग स्टार्ट हो गया है, क्रेडिट कार्ड जो है कमीशन में है, यस बैंक का APS एक्टिव है, सर्विस एक्टिव है, आयुष्मान भारत एक्टिव है, वॉलेट लेजिंग ऑटो बिलिंग अभी जो है ये एक्टिव है लेकिन इसे एक्टिव कराना पड़ेगा आपको, अकाउंट ओपनिंग भी एक्टिव है। तो ये चीज़ें हो गई। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं देख रहे होंगे कि जो भी पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं पैसा निकालते हैं उनका पैसा जो है यहाँ पर जब क्लिक करते हैं वो जो है जब यहाँ क्लिक करते हैं इस वाले ऑप्शन पर तो कितना पैसा देखिए वहाँ पर जो है आ जाता है। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए अपने अकाउंट में देखिए अकाउंट नंबर शो कर देता है, यहाँ वॉलेट में चाहते हैं तो वॉलेट में, अकाउंट में चाहते हैं तो अकाउंट में पैसे को आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तत्काल आपके पैसे में अकाउंट पैसा चला जाता है। पैसा ट्रांसफ़र करने का 10 रुपया चार्ज लगता है, चाहे आप 1,000 करिए चाहे 10,000 करिए 5,000 करिए, तो आप यहाँ से जो है पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं अभी ट्रांसफ़र नहीं करना है। जो कमीशन होता है वो कमीशन आपका देखिए यहाँ पर ऐड होता है, जैसे हमारा 885 रुपया कमीशन बना हुआ है। ये कमीशन आप चेक कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए जो भी लोग काम करना चाहते हैं नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो पुराने हैं वो तो काम कर ही रहे हैं। आपको देखिए आप सर्विस पर क्लिक करना है, जैसे ही सर्विस पर आप जाएंगे, सर्विस पर जाने के बाद जो है आपको देखिए यहाँ पर APS DMT पैन कार्ड रिचार्ज बिल्स फास्टैग सुविधाएँ मिल जाती हैं, लेकिन आपको APS यानी आधार से पैसा निकालना है तो आप आधार वाले पर क्लिक करेंगे यानी APS पर क्लिक करेंगे। इस पर देखिए यहाँ पर जो है आपको प्राइम APS यानी जो पहले लिखा हुआ है आप इसी पर वर्क करेंगे तो भी आपको कमीशन मिलेगा। आधार पे से अगर पैसा निकालते हैं तो आपको कमीशन भी नहीं मिलेगा, साथ में आपका जो है 0.40% आपका चार्ज भी कटेगा, यानी 1,000 रुपये पर 4 रुपया आपका चार्ज कट जाएगा। और वहीं अगर APS पैसा निकालते हैं तो 1,000 रुपये पर 3.20 रुपये आपको कमीशन भी मिल जाएगा। मिनी स्टेटमेंट में 1 रुपया कमीशन है, कैश डिपॉजिट अभी कमीशन में है। तो आप लोग मान लीजिए APS पर गए पैसा निकाले तो जो भी पैसा निकालेंगे वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद जो बात आती है कि हमको कमीशन क्या मिलता है, जैसे लेजर पर जाएंगे
लेजर पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कमीशन लेजर। तो देखिए मैंने कमीशन लेजर पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कमीशन क्या मिलता है ये मुझे जानकारी हो जाती है कि मुझे कितना पर कितना कमीशन मिला। इस चीज़ को आप भी अपने पास से देख लेंगे जो कि मैं APS का बता रहा हूँ। आप देखिए आपके सामने खुल गया जो हम ट्रांजेक्शन किए हुए हैं उस पर हमको कमीशन क्या मिला हुआ है, इसको आप एक सरसरी निगाह में देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ 1500 रुपया निकाला हुआ है, इस पर देखिए जो है 4 रुपये से भी हमें कमीशन मिला हुआ है। 1000 रुपया निकाले हुए हैं, देखिए यहाँ पर 3 रुपया 20 पैसा मिला हुआ है। 500 रुपया निकाले हैं, देखिए यहाँ पर 1 रुपया 60 पैसा मिला हुआ है। 2000 निकाले हैं तो देखिए यहाँ पर जो है 6 रुपये 40 पैसा मिला है। देखिए 10000 रुपया निकाले हैं तो देखिए यहाँ पर जो हमको 16 रुपया कमीशन मिला हुआ है, जो सबसे अधिक कमीशन 16 रुपया है। इसमें देखिए TDS भी आपको कट जाता है, यहाँ पर देखिए 80 पैसा TDS कटा हुआ है। यानी एक नंबर से पैसा निकासी करते हैं, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो आप 5000 निकालेंगे तो भी 16 रुपये मिलेगा, 10000 निकालेंगे तो भी आपको, यानी 5000 से ऊपर जो भी निकासी करेंगे उस पर आपको 16 रुपया कमीशन आपको यहाँ पर बनेगा। तो कमीशन के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग जो है अकाउंट ओपनिंग या क्योक्स बैंकिंग से संबंधित से कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए आप जैसे ही क्योक्स बैंकिंग पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए जो है क्योक्स बैंकिंग सर्विस के लिए जो है सर्विस लाइव है। इसके लिए आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट करना है, इन 2 नंबरों पर फ़ोन करना है। इसके बाद इसके कुछ चार्जेज हैं, वो चार्ज 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में है, वो पे करेंगे और आपकी सुविधाएँ एक्टिव कर दी जाएंगी। इसमें बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिल जाएंगी। तो इसके अलावा जो है और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जाते हैं कॉन्टेक्ट अस में, यानी देखिए यहाँ पर मैंने चलाया कॉन्टेक्ट अस में, मैंने यहाँ पर आ गया। हमको कोई भी परेशानी है, किसी भी कारण के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो देखिए आपको जो है यहाँ कॉन्टेक्ट अस में आने के बाद आपको कंपनी नंबर प्रोवाइड करती है। देखिए जैसे पैन कार्ड या रिचार्ज से संबंधित है तो यहाँ पर फ़ोन करेंगे, और माइक्रो ATM या मार्फ मंत्रा की डिवाइस वहाँ से दिक्कत है तो यहाँ पर फ़ोन करेंगे। KYC से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर फ़ोन करेंगे, कोई ट्रेनिंग चाहिए यहाँ से मिल जाएगा। वहीं सेटलमेंट की अगर कोई दिक्कत है चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे। तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी और सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहता है। तो जो भी लोग इच्छुक हैं डिस्ट्रीब्यूटर ID या मर्चेंट ID लेने के लिए, दोनों भी ID हमारे यहाँ से प्रोवाइड होती है। कास्ट इनके हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं। इस समय आपको डिस्ट्रीब्यूटर ID चाहिए तो 2500 रुपये मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर ID में सिर्फ आप रिटेलर बना सकते हैं और कमीशन आप पाएंगे, न कि जो है उसमें आप कोई काम कर सकते हैं। रिटेलर ID से सारे वर्क होते हैं, उसमें आप किसी को ID किसी का जोड़ नहीं सकते हैं। यानी रिटेलर ID का जो काम होता है वो रिटेलर ID से होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ID से जो वर्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर ID से होगा। तो जिनको भी आवश्यकता है चाहिए वो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हमें फ़ोन करके व्हाट्सअप करके संपर्क करेंगे। इसमें पैसा पहले आपको पेमेंट करना होता है, पैसा पेमेंट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे, ID 5 से 10 मिनट में आपकी एक्टिव हो जाएगी और वर्क स्टार्ट हो जाएगा। साथियों का जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा।